हेलो गाइस, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू सेल योर आर्ट वर्क्स। तो काफ़ी सारे लोगों का पैशन होता है आर्ट वर्क्स, यानी कि पेंटिंग, स्केचिंग या फैब्रिक आर्ट या फिर डूडलिंग। तो ये सारी चीज़ें एक पैशन है, बट लोगों को ये चीज़ें मार्केट करनी नहीं आती है, मतलब कि अपने आर्ट वर्क से पैसे कमाने नहीं आते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेंटिंग्स को या अपने आर्ट वर्क्स को आप कैसे बेच सकते हैं, और वो सारे ही तरीके बताऊंगा जो मैंने खुद अप्लाई करके रखे हैं। और इसी के साथ मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफलाइन वर्क और ऑनलाइन वर्क। पहले स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन वर्क से। तो अपने बिजनेस को एक पुश स्टार्ट देने के लिए आप अपने पेंटिंग्स को स्टार्टिंग में कम दामों में बेचें। अपने बेस्ट पेंटिंग्स या फिर बेस्ट आर्ट वर्क्स को आप मत बेचिए, बट काफी सारे आर्ट वर्क्स को आप कम दाम से स्टार्ट करिए, जिससे आपका ऑडियंस और आपका मार्केट प्लेस बनेगा और लोग एज अ ट्रायल आपके पेंटिंग्स खरीदेंगे। इवन स्टूडेंट्स जिनके पास कम पैसा है वो भी आपके पेंटिंग्स अफोर्ड कर पाएंगे, और एक बार उनको एक्सपीरियंस रहा तो फिर छोटे मोटे इवेंट्स जैसे कि बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन, उसमें वो आपको पेंटिंग्स के ऑर्डर दे सकते हैं। सेकेंड, डू एग्जीबिशंस। तो एग्जीबिशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक पूरा हॉल ना बुक करें, बल्कि किसी एक रेस्टोरेंट में जाके आप टाई अप कर ले कि अगर आपका एक पेंटिंग बिकेगा तो उसका कुछ परसेंट आप उन रेस्टोरेंट्स वालों को देंगे। इससे उनका रेस्टोरेंट भी ब्यूटीफुल दिखेगा जब तक आपका पेंटिंग रहेगा, और जब आपका पेंटिंग बिकेगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपको एक हॉल का रेंट नहीं लगेगा, और वैसे जगह पे एग्जीबिशन करना जहाँ पे हायर फुटफॉल है जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, तो आपके पेंटिंग्स बिकने के भी काफी ज्यादा चांसेस है। जब लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे आधे घंटे एक घंटे के लिए, तो काफी बार वो आपके पेंटिंग्स को देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फाइनली वो अपना माइंड मेकअप करेंगे कि ये पेंटिंग उन्हें लेनी है। और आपका कॉस्टिंग कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल जीरो, मतलब कि एसेट लाइट मॉडल हो गया ये आपका। थर्ड, कॉल लोकल मीडिया पीपल। तो आपके सिटी में काफी सारे मीडिया हाउसेज होंगी जिनके पास आप डायरेक्टली रीच करके या रेफरेंस के थ्रू उनके पास पहुंच सकते हैं, और उनको अपने आर्टवर्क्स, अपने एग्जीबिशन के बारे में बता सकते हैं, और तब वो लोग एक आर्टिकल आपके बारे में न्यूज़पेपर में छापेंगे कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आर्टवर्क्स के बारे में न्यूज़पेपर वालों ने पब्लिश किया था। फोर्थ, B2B मॉडल। तो जितने भी इससे पहले मैंने आपको बताए वो सारे B2C थे, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, और इसके बाद आप B2B बिजनेस भी कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्टली किसी एक बिजनेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बुटीक वालों को कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनके पास पहले से काफी सारे सामान रहते हैं, जैसे कि सैंडल्स, कोई क्लोथ्स, जिसको वो लोग और भी ज्यादा डेकोरेट करने के लिए उस पे आर्टवर्क्स करवाते हैं। तो इस तरह से आपको एक ही बार में काफी बड़ा ऑर्डर मिलेगा और आपका मनी भी सिक्योर रहेगा। तो एक बार बस आपको बिजनेस फाइनलाइज करने का देर है, उसके बाद आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। फिफ्थ, डू वॉल आर्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने घर पे भी पीछे एक वॉल आर्ट बना के रखा है। इस तरह का वॉल आर्ट अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, हर एक रेस्टोरेंट या फिर हर एक छोटे शॉप में वॉल आर्ट लोग करवाते हैं। तो अगर आप एक आर्टिस्ट है तो कुछ एरिया में आप पहले एक डेमो के लिए वॉल आर्ट करके देखें। अगर आपको लगता है आपके हाथ में फिनिशिंग है तो आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स वालों को अप्रोच कर सकते हैं और उनका वॉल आर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक काफी बड़ा वॉल एरिया मिल जाएगा और आप पर स्क्वायर फीट बेसिस या फिर पर आर्टवर्क के हिसाब से आप उनको चार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे और आपका आर्टवर्क काफी लोगों के नजर में भी आएगा। गिव योर आर्टवर्क्स टू सेलिब्रिटीज। तो पेंटिंग्स बेचने के साथ साथ आपको पेंटिंग्स प्रमोट भी करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पेंटिंग्स अरमान मलिक को दी है और काफी सारे बड़े लोगों को दी है। इससे क्या होता है कि लोगों को फील होता है कि आपके पेंटिंग्स एक अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, और लोगों को अप्रोच करने में आपको काफी इजी भी होगा। और अगर किसी सेलिब्रिटी ने आपके आर्टवर्क को अपने इंस्टा पे या किसी सोशल मीडिया पे प्रमोट किया तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा अपने बिजनेस। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्क्स के बारे में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप रेगुलरली अपने आर्टवर्क्स को पोस्ट करो। अगर आपका कोई एक पर्सनल अकाउंट है इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो एक अलग से प्रोफेशनल पेज भी बनाओ। तो इसमें क्या होगा कि आपके सारे ही प्रोफेशनल आर्टवर्क्स एक जगह पे रहेंगे, और जब आप किसी को दिखलाना चाहते हो आर्टवर्क्स तो आप वो पेज का लिंक उन्हें भेज सकते हैं। इससे आपका पर्सनल डेटा और प्रोफेशनल डेटा अलग हो जाएगा और एक बार में लोग आपके आर्टवर्क्स और आपके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। इसके बाद यूज टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स होते हैं आपके प्रोडक्ट का रिव्यू। तो एक अच्छा रिव्यू काफी सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जब अगले देखेंगे कि काफी सारे लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो उनपे भी एक ट्रस्ट बनेगा, और वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये सारे टेस्टिमोनियल्स को देख के अश्योरिटी ले सकते हैं। फिर सेल ऑन Amazon। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं खुद अपने आर्टवर्क्स Amazon पे सेल करता हूँ। इससे आपको एक काफी बड़ा रीच मिलेगा और डिजिटली
आप लोकल से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आर्टवर्क सेल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेल योर आर्टवर्क्स ऑन अदर ऑनलाइन वेबसाइट। तो मैं सिर्फ उसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें मैंने खुद अपने पेंटिंग्स बेचे हैं, बट और भी काफी सारे ट्रस्टेड वेबसाइट्स है जो आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने अपनी पेंटिंग्स गैलरिस्ट पे सेल की थी और उनका कस्टमर हैंडलिंग और पेमेंट शेड्यूल सब कुछ बहुत ही अच्छा है। फिर मेक यूट्यूब कंटेंट, अभी के समय में सबसे ज्यादा वीडियो कंटेंट्स पॉपुलर हो रहे हैं और जैसे कि ये खुद मैं एक वीडियो कंटेंट बना रहा हूँ, इस तरह से आप काफी सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे पेंटिंग सिखा सकते हैं, यूट्यूब पे अपने आर्टवर्क्स दिखला सकते हैं और ऑर्डर के लिए आप लोगों को बोल सकते हैं, आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, और फिर आप इस कंटेंट को अपने वेबसाइट पे या फिर अपने सोशल मीडिया पे भी प्रमोट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पोस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ग्रुप। तो अभी काफी सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप्स है जिसमें काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जो सारे एक लाइक माइंडेड पीपल है। तो फेसबुक का खुद एक बिजनेस पेज है, तो फेसबुक का खुद एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप चीजों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो वहां पे आप अपने आर्टवर्क्स को डालो, इससे काफी सारे लोगों तक एटलीस्ट रीच पहुंचेगा आपका। फिर लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बिल्ड अ लाइक माइंडेड ऑडियंस। तो आपको ये समझना होगा कि आप अपने सामान को हर किसी को नहीं बेच सकते, आप सिर्फ उन्हीं को बेच सकते हो जिन्हें पेंटिंग्स का शौक है। तो विथ टाइम आप एक इंस्टा पेज बनाओ या फिर आप एक फेसबुक पेज बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ जहाँ पे आप सारे एक लाइक माइंडेड लोग जैसे कि जो भी आपके पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड है उन्हें एक जगह पे आप ऐड करके रखो। तब जब आप कभी भी एक नया आर्टवर्क उसमें पोस्ट करोगे तो आपके पेंटिंग्स बिकने का काफी हाई चांसेस रहेगा और एक कस्टमर आपको मल्टीपल ऑर्डर्स भी देंगे। तो आई होप सो गाइज आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी होंगी और आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।